नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रोडवेज अड्डे से मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने लगाई बसें। बुलंदशहर के रोडवेज बस अड्डे पर हरियाणा, पंजाब और कई जगह से दिहाड़ी मजदूरों को बुलंदशहर लाया गया और उनके घरों तक बसों को दोबारा पहुंचाया गया। मजदूरों ने बताया, हमें यह पूरी सुविधा दी गई है और मजदूरों ने बताया कि हमसे बसों का किराया भी नहीं लिया जा रहा है, खाने की व्यवस्था भी की गई है। बुलंदशहर से जुर्गाम हैदर के साथ मोहम्मद मियां की रिपोर्ट। लोग जो आए हुए हैं वो किस जगह से आए हैं? महेंद्रगढ़ जिला है। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शाहजहांपुर जा रहे हैं। आपसे कोई किराया वसूला जा रहा है? नहीं। खाने पीने की व्यवस्था? खाने के लिए ठीक है सर। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जा रहे हैं तहसील पहुँचे।